press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, अब हम लाए हैं आपके लिए अनुपमा स्पॉइलर अलर्ट। पूरी रात साथ गुजारेंगे अनुपमा अनुज, वनराज के जाल में फंस जाएगी मालविका। अनुपमा अपकमिंग स्टोरी। काव्या को अपनी जिंदगी से निकालने और मालविका को अपने जाल में फंसाने के लिए वनराज नया पैंतरा अपनाएगा। वह मालविका से मुंबई में ऑफिस शिफ्ट करने की बात करेगा। ये बात सुनकर अनुपमा और काव्या दंग रह जाएंगे। सीरियल अनुपमा में जब से मालविका की एंट्री हुई है तब से इसकी चाल धीमी पड़ गई है। लोग अनुपमा और अनुज की शादी देखना चाहते थे, पर इसकी बजाय उन्हें अब वनराज की तीसरी शादी देखने का मौका लगता है जल्द ही मिलने वाला है। वनराज की नजर अनुज की बहन मालविका पर है और वो उसे किसी भी हाल में अपना बनाना चाहता है। अनुपमा ने उसकी ये चाल भांप ली है और वह उसकी इस ख्वाहिश के आड़े आ रही है। रोमांटिक हुए अनुज अनुपमा। हाल ही में टेलीकास्ट हुए एपिसोड में आपने देखा है कि काव्या लौट आई है और उसे अनुपमा और अनुज ने अपने यहाँ नौकरी पर भी रख लिया है। अब अनुपमा कैसे भी करके वनराज और काव्या को एक करना चाहती है। अनुपमा नहीं चाहती कि वनराज किसी भी तरह मालविका की जिंदगी में एंट्री करे। वहीं ऑफिस में अनुपमा और अनुज रात के लिए रुक जाते हैं। अनुज अपना कोट निकालकर अनुपमा को दे देता है और दोनों के बीच यहाँ कुछ प्यार भरे पल देखने को मिलते हैं। वनराज ने नई चाल चली। वहीं दूसरी तरफ काव्या को अपनी जिंदगी से निकालने और मालविका को अपने जाल में फंसाने के लिए वनराज नया पैंतरा अपनाएगा। वह मालविका से मुंबई में ऑफिस शिफ्ट करने की बात करेगा। ये सुनकर अनुपमा और काव्या दंग रह जाएंगे। लेकिन वनराज अपनी बातों में मालविका को ऐसा उलझाएगा कि वह किसी की सुनने को तैयार नहीं होगी। क्या फंस जाएगी मालविका? मालविका को बोतल में उतारने के लिए वनराज उसे अकेले में ले जाकर अपनी दुख भरी कहानी सुनाएगा और कहेगा कि वह इस ऑफिस में रहकर परेशान रहता है। मालविका उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्द ही दूसरे ऑफिस में शिफ्ट हो जाएंगे। इसके बाद आती है वनराज की विजयी मुस्कान। अब देखना दिलचस्प होगा कि अनुपमा अपने एक्स पति के चंगुल से मालविका को कैसे छुड़ा पाती है और काव्या आने वाले समय में वनराज को कैसे सबक सिखाती है। तो इस बारे में आप अपने कमेंट्स शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।